उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने के बाद सीएम योगी एक अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। सत्ता वापसी के बाद वो हर दिन एक नए और कड़े फैसले लेकर सभी को हैरान कर रहे हैं। गुंडों माफियाओं के अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो या भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन, सभी पर लगातार शिकंजा कस रहे हैं। भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों पर भी मुख्यमंत्री लगाम लगा रहे हैं। इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब ट्रेड टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर को निलंबित कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर अंजलि चौरसिया इस समय बाराबंकी जिले में तैनात थी। शासकीय कार्य प्रणाली में ईमानदारी और शुचिता ने नहीं बरतने के आरोपों में असिस्टेंट कमिश्नर पर यह कार्रवाई की गई है। सीएम योगी की इस कार्रवाई से विभाग में भी हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार को लेकर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ये कार्रवाई की गई है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। दरअसल पूर्व में पटना के कारोबारी राजकुमार ने स्क्रैप व्यापारी प्लास्टिक दिखाकर कॉपर और एल्युमिनियम पर टैक्स चोरी करने का आरोप लगाया था। बड़ी बात यह है कि एडिशनल कमिश्नर स्तर की जांच में करोड़ों के भ्रष्टाचार की पुष्टि हुई थी, लेकिन एक दर्जन से अधिक शिकायतें होने के बावजूद भी उस समय कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन अब सीएम योगी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए इस पर हर पहलू से जांच बिठाई। इसके बाद मामले पर कार्रवाई करते हुए अंजलि चौरसिया को निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही कई और बड़े अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई का दौर लगातार जारी है। सीएम योगी कई ऐसे बड़े व्यापारी ठेकेदारों पर कार्रवाई कर रही है जिनके आरोपों के फाइल्स कई सालों से बंद पड़े हैं। सीएम के इस कार्रवाई से सभी वर्ग के लोगों में हलचल पैदा हो गई। सीएम योगी का अगला टारगेट कौन होगा ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।